मेक जोक ऑफ एमजीओ के चैनल से आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं, कॉमेडी नाइट्स दिवाली स्पेशल ऑलरेडी ट्रेंडिंग में भाई। और इनकी जो धासु जो कॉमेडी टाइमिंग है ना, और जो कैरेक्टर्स का बर्ड बोलापन है, जो है ना, मुझे बस लगता है आईब्रोज किसी की ऐसी बनी हुई आती है। तो आज देखते हैं क्या टॉपिक रहेगा, क्योंकि दिवाली स्पेशल है तो इसमें माहौल मस्त होने वाला है। और कॉमेडी नाइट्स ब्रैकेट में दिवाली स्पेशल, दोबारा बोले शुरू करो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं तो अरे भैया सब्सक्राइब कर लो। ओके, 1 2 3 गो। कहते हैं कि अश्वत्थामा जो है वो आज भी जिंदा है, तो जाओ उसी के साथ नाश्ता करो, जाके काहे बैठे हो। गुस्सा दे। कॉमेडी क्या कॉमेडी? कॉमेडी कर रहे हैं। किसने कहा तुमसे कॉमेडी करने को? गोबर के छोट जैसी शक्ल तुम्हारी लिए बैठे हो किनारे, हमसे बीच में हमारे बीच में बोलने को किसने कहा तुमसे? बेटा शहीद रोनी भिखारी भीख नहीं देगा, ऐसा मार मारेंगे। भिखारी भीख देता नहीं, भिखारी भीख लेता है। तुम भिखारी से भीख मांगते हो क्या? जहरी जवाब। तुम्हारे आज कुछ ज्यादा कॉमेडी आ रही है भैया। हाँ भैया दद्दू, मूर्खतम पीएचडी कहाँ की जाती? मूर्खतम पीएचडी हमारे घर पे होती। अच्छा, मान्यता प्राप्त है? मान्यता वान्यता नहीं प्राप्त है राली, मान्यता प्राप्त कराने जाएंगे, हमको लग जाए पूरी जिंदगी। ठीक ठीक, हमें रख लो। आ जाना कल से। नहीं नहीं, क्या वीरा का तुम मूर्खतम पीएचडी कराते हो क्या? हाँ कराते हैं। क्या मतलब, कैसे डिसाइड कैसे करते हो कि कौन मूर्ख है? देखो जैसे कोई मूर्ख होगा, जैसे हम हैं मूर्ख, जैसे ये मूर्ख हैं, अगर तो ये जब रॉकेट दीपावली का जलाएंगे तो ऊपर नहीं देखेंगे, जलाने के बाद नीचे ही देखेंगे। लेकिन हम जब रॉकेट जलाते हैं तो ऊपर ही देखते हैं, लेकिन रॉकेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं, रॉकेट हमारे नीचे देखता। ये एक लेवल और ऊपर की मूर्खता है। अब जो मूर्ख लोग होते हैं वो टीवी देखते हैं तो टीवी ऑन नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। मतलब बंद टीवी देखते हैं। बंद टीवी देखते हैं, आप समझो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो इसलिए टीवी बंद करके देखता हो क्योंकि उसका बिल ज्यादा आता हो, बिल बचाने के लिए करता हो। हाँ। है ना? अब तुम मूर्खता काबिल नहीं रह गए हो। तुमने लगा दिया दिमाग। ऐसा ना करो। नहीं, अब तुमने लगा दिया दिमाग। मूर्खता पीएचडी ऐसे नहीं मिलती, दिमाग लगाने से नहीं मिलती। दिमाग नहीं लगा था। अगर तुम सच के मूर्ख होते तो तुम टीवी बंद करके ना देखते, तुम टीवी चला के देखते। लेकिन टीवी को तुमने दीवार की तरफ उल्टी लगवाया होता। हाँ, लेकिन तुम देखते और अरे गुर्दे मम्मी ऐसे करेंगे, लेकिन तुम कर रहे हो। नहीं, अभी तुमको और मेहनत करने की जरूरत है। तुम मूर्ख होते तो हमको गुर्देव ना बोल रहे होते। मूर्ख होते गुर्देव नहीं बोलते, हमको हमारे नाम से बुला रहे होते और हमारे हर मिनट एक एक तमाचा मारते जा रहे होते। क्या हम तुमको कहीं मानते कि तुम मूर्ख हो, पीएचडी के काबिल हो? समझ गया। अरे अरे गुर्देव रख लो, अरे गुर्देव रख लो, अरे गुर्देव रख लो। अरे नहीं रखेंगे यार, अरे अरे रख लो, अरे रख लो, अरे रख लो, अरे रख लो। नहीं नहीं, अरे हटो यार, जब मना कर दिया है उन्होंने तो काहे पीछे पड़े उनके। हैं रख लो ना। नहीं नहीं तो यार दद्दू, तुम्हारा हर एक चीज अच्छा लगता है, बस यही सब कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती कि मूर्खता में पीएचडी बांट रहे हैं। कहीं कुछ नहीं अच्छी लगती तो हम तुमको अच्छा लगाने के लिए करते भी नहीं है। हाँ, लो और बताओ। इट्स माय लाइफ नाउ और नेवर, बट आई एम गोना लिव फॉरएवर। क्या बात, हम बचपन से स्वैग में जी रहे, किसी की परवाह नहीं करते। बचपन ना मानो भाई, अम्मा पूछ लेना। कौन वही अम्मा जिनकी मुच्छे हैं? चौथी सकल का गोबर की चौथी। तुम भी कम नहीं भैंस की चौथ। क्या जरूरत थी से बोलने की? यार ठीक दद्दू, तुम पर तुम ना परेशान हो। हमारी अम्मा के मुच्छे नहीं, दाढ़ी भी है। अरे माफी मांगो दद्दू से, माफी मांगो। अरे गोबर के छोट जैसी शक्ल है तुम्हारी, शीशे में देखो साला, साफ शीशा गंदा लगने लगे तुम्हारी रिफ्लेक्शन से। फैमिली मैटर में ना बोल रहे, चड्डी बम डाल देंगे, बताए दे रहे। अरे हमारी चड्डी पहले फटी है। चड्डी पहले फटी है। तुम यार एकदम कम नहीं होगी, नहीं तो थोड़ी देर ना बोले ये बोल थोड़ी रहे, ये कॉमेडी कर रहे हैं। कॉमेडी कर रहे हैं ये,
कॉमेडी कर रहे हैं, यही तो है मैं एक जो कॉप, यही तो बनाते हैं, तुमको पता नहीं हो गया, देखो फेस रिवील हो गया आज इनका, पूरे संसार को अकेले एकमात्र यही तो है जो मुस्कान दे रहे हैं, यही है देवता, देखो इनको कॉमेडी कर रहे हैं सबके सामने, हम और तुम बतला रहे, कोई बूढ़े बुजुर्ग बतला रहे, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, पिले जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, उसी में खोपड़ी चंटनाएं दे रहे हैं अपनी। ठीक चलो ठीक, ये मां से भ्रमित हो चुके हैं, इनका पट प्रदर्शित करना पड़ेगा, दो तीन कंटाप लगाने पड़ेंगे इनको, तब ये समझ में आएगा इनके। बैठे हैं फालतू बात। दद्दू जय राम जी के। जय राम भैया, जय राम। आओ। अरे दद्दू सांप केरी टिकिया लाओ दगावे वाली। अरे गुरु कहाँ रहे हो, बड़े दिन बाद दिखे हो। अरे बड़े दिन बाद का दिखे नमाए विगर आप वसीर साला, आते कल आ गई एकदम पीछे। अरे ले तुम सांप डगाओ, हुई सकत राहत मिले, आओ ले लियो, आओ ले लियो परमाणु ले लियो, बढ़िया डगी है। परमाणु का करे, एक राफेल दे दो। राफेल ले, राफेल ले लियो, परमाणु नहीं राफेल चाहिए सीधा। मेन सांप की टिकिया लाओ, ले ले। क्या है ये, सांप के अंडे है क्या? अंडे नहीं, सांप की मड़ी है तुम्हारे लिए धरी, पकड़ पकड़ बोल ले। सांप की मड़ी कभी देखे भी हो? हम देख चुके, बहुत चमकती है। कहाँ देखी? जंगल में देखी। कह रहे हो कभी जंगल में, कैसे है? फायर और लाइटिंग करने कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते, खेत में जाते हैं। खेत में जाते, खेत पे कहाँ चले जाएंगे? किसके खेत में जाके इज्जत खोल दे अपनी जाके बताओ। तुमको पता नहीं दद्दू मरी वड़ी दद्दू को मिला करती है, और कई कई बार तो दद्दू मरी के ऊपर कराते हैं। दद्दू लाइफ सेट है, भी पड़ाका लगाएंगे पूरी दिवाली फिर सो जाएंगे। हाँ वो बात नहीं, लेकिन कई बार ऐसी भी दिवाली हुई जिसमें एक को पड़ाका नहीं फोड़े गए। तो इसमें क्या फोड़ा गया, इनके जैसे लोगों की खोपड़ी? देखा? कितनी बढ़िया कॉमेडी कर रहा लड़का, पड़ाका नहीं फोड़े गए तो इनके जैसे लोगों की खोपड़ी फोड़ी गई क्या? कितना बढ़िया प्रश्न खड़ा किया, देखो कितना बढ़िया प्रश्न खड़ा किया। हाँ तो कर लेते कॉमेडी, तो काहे ना करे। बेटा अगर हमारे तीन हाथ होते ना तो तुमको ऐसे एक हाथ से चाटा ही मारते रहते, चाटा ही मारते रहते। किस तरीके से तुम कॉमेडी करते हो? कहे तीसरा हाथ कहाँ से उगवाते, पेट से? तुम यार एक काम करो, आ जाओ बीच बाजार में, अब आज तुम कॉमेडी करो, आओ आज ये कॉमेडी नाइट्स बना दो, आओ आओ कॉमेडी नाइट्स बना दो, तुम मंच पे आओ, चलो खड़ा खड़ा, अब चलो बीच में आओ, चलो खड़ा बीच में करो कॉमेडी, खड़े हंसाओ, दो सेकंड के अंदर हमको हंसी आनी चाहिए, अरे बहुत मारेंगे, चलो हंसाओ मुझे, मुझे हंसाओ, अब हंसाओ हंसाओ, क्या हंसा है? हंसा दियो ना, दो कुछ बोल दो उनके लिए कुछ। अरे अरे छोड़ो डड्डू, अच्छा हंसाएगा भाई, रोए लगे, रो दे रो दे, अरे रो दे रो दे, रो रो नहीं रहे, सोच रहे हैं। ये कौन सी बदतमीजी भाई, उसको फेंक दिया, ये बदतमीजी नहीं है, ये है मूर्खता। yes. उनके पैर छुए आपको मारेगा चट्टा। आपको छूना रहना, पीएचडी नहीं कराएंगे, कराओगे कैसे नहीं, हम सबसे बड़ा मूर्ख बन के दिखाएंगे। ये देखो हमने क्या कर लिया, सब पड़ाके लगा लिए अपने पेट में और हम सबको जला देंगे, थक जाएंगे तुम्हारे साथ, अब हम करेंगे सबसे बड़ी मूर्खता। ये टोपा जो, ये बेटा ये नहीं, ये टोपा बना मत करना, ये टोपा बना मत करना, मत करना मत करना मत करना, रे 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 टोपा। कोई बच्चा है? डरा हुआ है भाई। लगा दी क्या? नहीं। Written animated and voiced by Saurabh Shukla. Yes. Also known as Make Joke Off. Saurabh bhai OP yaar. Saurabh Shukla bhai sahab always OP. मैं तो plan ऐसे कर रही थी कि क्या फटेगा कि नहीं। Saurabh Shukla bhai जल्द ही face reveal भी कर दो यार। क्योंकि
अब नाम पता लग चुका है मेघ जुगौफ के, जो करता धरता है, जो निर्माता है, जो राइटर है, जिनकी वॉइस होती है हर एक चीज, और बहुत ही गजब कॉमेडी नाइट टाइप वीडियो बनाई दिवाली स्पेशल की। मूर्खतम पीएचडी करवा रहे, कह रहे तुम्हारा तुम मूर्ख हो ही नहीं, तुम्हें वो टीवी का मूर्ख था कैसे, टीवी तुम्हें ऑन करके देखना है लेकिन दीवार का उल्टा लगा तब तुम मूर्ख साबित हो सकते हो। हमें गुरु जी नहीं बोलते, हमें कान पे मारते हैं, नाम लेके बोलते हैं, तुमने दिमाग लगा दिया, दिमाग लगा दिया, अब तुम काबिल नहीं, काबिल नहीं है, तुम पहले सीख के आओ भाई। ये सोचा, लेकिन सीख के भी कैसे आया ना पूरा, अब हम बनेंगे मूर्ख। लेकिन मेरे कहने का मतलब, अगर मूर्खता की डिग्री होती ना भाई तो अलग ही लेवल होता, क्योंकि कलाकार है धरती के ऊपर एक समर्थ करे मूर्ख बनने के लिए। तो और बहुत ही गजब वीडियो थी, प्लस जो सेटअप बनाया था ना, जैसे लाइट्स टिमटी मार के अलग अलग कलर, देखा तूने वो परमाणु बम राफेल पीछे जो बैकग्राउंड में लगा रखे थे, एनिमेशन क्या करेंगे, एनिमेशन बहुत गजब थी, प्लस वॉइस तो हमेशा से एमजीओ की बहुत ही गजब रही है, स्क्रिप्ट गजब, और जो जो सोच समझ के बहुत ही बारीकी जो डिटेलिंग थी ना, परमाणु बम हमें परमाणु नहीं हमें रफेल दो, तो ये हुई लाइटिंग बहुत गजब लग रही थी। क्या कहते हैं इसमें, के सांप के अंडे, दद्दू कितने कूल लग रहे थे, यहाँ से बाल व्हाइट करके स्पाइक से बना के, बड़ी मजेदार वीडियो थी और बहुत ही हैपनिंग तरीके से प्रेजेंट की गई। और जो हमेशा से एक चीज ये रही एमजीओ की फैन फॉलोइंग इसलिए रही क्योंकि ना ये हर बार कुछ हटके होता है, हटके होता है, प्लस जो टॉपिक अलग ही जो पंचलाइन होती है ना उनको सुनते ही बड़ा मजा आ जाता है। मुझे तो आवाज ही बहुत वो लगती है ना, आवाज ही बहुत बढ़िया। और आखिर में क्या कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, रो देगा भी है, रो देगा, सोच रहे हैं हम, रो नहीं रहे, सोच रहे हैं हम, कहने कॉमेडी नाइट चल रही है, कॉमेडी के अंदर में साग दिखाओ, साग दिखाओ, फिर वही मूर्खता का लेवल ये लग लिया, वो भगा दिया ऐसे पटाके भाई, जहरी वीडियो एक नंबर खतरनाक। और ये बच्चों वाली आवाज, मैं तो कहता हूँ कभी कभार बोर हो रहे ना तो इन जो आवाज है इसमें आप कन्वर्सेशन करने लगते, थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होगा, मस्त लगेगा, आपसे जो बात कर रहा है वो भी आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, कैसे हमें क्या बता? आप लोगों को कैसे लगी बताना जरूर, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।